पहले चौथा सवाल दो। पहले वृक्ष की बोलो, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृक्ष पर 2 स्पर्श रेखाएं आपको खींचनी है, और ऐसे खींचनी है कि इनके बीच में कोण जो है वो 60 डिग्री। ये इंफॉर्मेशन आपको दे और इसकी त्रिज्या दे रखी है और कुछ नहीं। ये कोण कितने डिग्री है? 90। क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कोण 90 होता है। और हम जानते हैं कि चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होगा? 120 डिग्री का कोण इनके बीच में आया। तो सबसे पहले हम एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, ये इसका रचना के ऊपर ये वृत्त को लिखने का तरीका होता है। सी फॉर सर्किल मतलब वृत्त, ब्रैकेट में केंद्र कॉमा त्रिज्या, एक वृत्त जिसका केंद्र हुआ है और त्रिज्या 5। यह आपने इसके बाद इस वृत्त की एक त्रिज्या बना लो, इन दोनों में से कोई और होगी। मान लो ये त्रिज्या बना, तो ए वृत्त की त्रिज्या हम देख रहे हैं ओए और ओबी के बीच में कोण कितने डिग्री का निकाला है? 120। तो प्रकार में दूरी बनकर एक चाप लगाओगे, फिर दूरी को बदलना नहीं है। प्रकार के नोक ध्यान रखते एक चाप, फिर प्रकार के नोक ध्यान रखते एक चाप, ये आपके पास 120 डिग्री का कोण बनता है। क्या करेंगे उसके बाद? या दूसरे शब्दों में लिखो, थोड़ा बड़ा चढ़ाकर इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? ओ ए के बिंदु ए पर 90 डिग्री का कोण और ओ बी के बिंदु बी पर 90 डिग्री का कोण। यहाँ पर 90 डिग्री कोण कैसे बनेगा? प्रकार में दूरी भर के एक चाप लगा लो, फिर इसे काटो, यहाँ काटो, फिर यहाँ रखे एक चाप, फिर यहाँ रखे एक चाप। ऐसे 90 से कोण यहां बना लो,
ये दोनों एक दूसरे को जहाँ काटेंगे ये पी मिलते हैं, और जब आप इसे नापेंगे कौन को, ये कौन अपने आप ही 60 डिग्री आएगा और नाप कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर रचना बिल्कुल अलग तरीके से होगी, यहाँ उस तरीके से नहीं होगी कि हम केंद्र से एक दूरी बिंदु लेके उसका लंबर तक करके और वृत्त बना कर दो बिंदु काटेंगे तो उसको मिला। यहाँ पर हमें थोड़ी सी गणना करनी पड़ेगी, चित्र रथ बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये कोण 60 दिया है, ये त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच का कोण है 90-90 हो जाएगा, चारों कोणों के योग से हम ये वाला कोण निकालेंगे। तो सबसे पहले कोण दिया बनाएंगे, फिर 120 डिग्री का कोण बनाएंगे, उसके बाद ए पर 90 डिग्री का कोण, बी पर 90 डिग्री का कोण, वो दोनों एक दूसरे को काटेंगे तब आपके पास ये आपने दो स्पर्शरेखाएं बनेंगी इस वृत्त पर जो एक दूसरे से 60 डिग्री का। अब देखते हैं सात अवस्था। सातवें सवाल में कह रहे हैं एक चूड़ी की सहायता से वृत्त, जिनके पास चूड़ियां हैं वो निकाल के चूड़ी में वृत्त खींच लो, जिस पर नहीं है वो एक प्रकार से वृत्त बना दो, वो केंद्र भूल जाओ। इनके कहने का मतलब यही है कि एक ऐसा वृत्त बनाना है जिसका केंद्र आपको ज्ञात हो। अब इस व्रत में दो असमांतर जीवाएं आपको खींच लेनी, दो जीवाएं जो एक दूसरे के समांतर नाम उन्हें आपने खींच रचना के पद दो असमांतर जीवाएं ए बी और बी सी आप खींचे, इसके बाद ए बी का लंबरधक बनाएंगे और बी सी का लंबरधक बनाएंगे। ए बी का लंबरधक बनेगा ए बी के आधे से अधिक दूरी लेकर, फिर बी सी के आधे से अधिक दूरी लेकर, ये लंबर तक जहाँ दो एक दूसरे को काटेंगे यही वृत्त का केंद्र है। ए बी और बी सी के लंबर तक खींचे जो एक दूसरे को ओपर करें। अब क्या करेंगे, इस बिंदु वृत्त के बाहर एक बिंदु ले लो, अब इस वृत्त के बाहर एक बिंदु ले लो और इस बिंदु से हमें इस पर स्पर्श रेखाएं खींचे, वृत्त के बाहर एक बिंदु लेके वो भी रेखा खंड खींच लिया। अब तो वही पुरानी प्रक्रिया है, इसका लंबरधक कर दो, इसके आधे से अधिक दूरी लेकर यहाँ से एक वृत्त बना दो, ये दूरी सुनवाई आएंगे इससे जोड़ दो, इससे
फिर तो पुरानी प्रक्रिया आप रोड कर दी।